वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। टाइटल से कि आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। सो दिस इज अ मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक। मेरे पास हमेशा से इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दैट हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस कैसे इम्प्रूव करें, कॉन्फिडेंट कैसे फील करें और कैसे हम अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग करें। इस तरह से मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहे थे। बट लास्ट कुछ वीडियो से जब से मैंने अपना ये अपडेट किया था दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन सम ऑडिशन, XYZ ऑडिशन, उसके बाद से मेरे पास फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ दैट हाउ टू फील सेल्फ कॉन्फिडेंट और कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट करें, कैसे प्रेजेंटेबल बनाएं। तो आज उसी टॉपिक के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। सो या विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ पर्सन्स बिलीफ और ट्रस्ट इन देयर ओन एबिलिटी। आप खुद के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हो और आपको खुद के ऊपर कितना क्या बोलना चाहिए विश्वास है कि आप ये कर सकते हो या आप ये कर पाओगे, दैट इज इक्वल टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बचपन से ही बहुत हाई होता है, कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता है, कुछ लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नीचे हो जाता है कभी ऊपर हो जाता है। तो इट्स लाइक अ यू नो रोलर कोस्टर, कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है, कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है। नाउ हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है पॉजिटिव थिंकिंग, सेकेंड आता है प्रैक्टिस, थर्ड आता है ट्रेनिंग, फोर्थ आता है नॉलेज और फिफ्थ आता है टॉकिंग टू अदर पीपल। ये सारे अलग अलग वेज हैं जिससे आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू देखते रहिए तो हम और भी चीजें कैसे आप ओवरऑल लुक वाइज अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं और कैसे आप इन सब का प्रैक्टिस कर सकते हैं वो सब मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। कॉन्फिडेंस बेसिकली एक फीलिंग है, ये कोई बहुत बड़ा हवा सा टर्म नहीं है, दिस इज जस्ट अ फीलिंग। जैसे आपको डर की फीलिंग होती है, जैसे आपको ट्रस्ट की फीलिंग होती है, ऐसे ही कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है। तो जब आपको ये पता होता है, आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेते हो द वे इट इज़, आप अपने माइंड को एक्सेप्ट कर लेते हो द वे इट इज़, ऑटोमेटिकली जो कॉन्फिडेंस है वो आपके अंदर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, आप अपने आप में बिलीव करने लगते हो। कॉन्फिडेंस आज के टाइम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज कॉन्फिडेंस मेक्स यू अट्रैक्टिव अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल अपीयरेंस। कॉन्फिडेंस खुद में ही बहुत अट्रैक्टिव होता है। इफ़ यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आप किसी कॉन्फिडेंट पर्सन को देखते हैं आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसकी पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट होते हैं। तो कॉन्फिडेंस मेक्स यू अट्रैक्टिव। तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि किन किन चीजों से आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं। तो देर आर सम 4-5 पॉइंट्स जो हम जनरल डे टू डे लाइफ में कभी कभी इन चीजों की वजह से कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज आप जो ड्रेसअप पहने हुए हो वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तब आप कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा लो हो जाता है। सेकेंड, आपके बाल अच्छे नहीं है या आपका फेस ठीक से आपने नहीं किया है, आप ऐसे ही सोख के उठ के आ गए हो, देन यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। जब आप बाकी लोगों को देखते हो और आप अपने आप को कंपेयर करते हो तो यू नो यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। पॉइंट इज जब आप 4-5 लोगों में बैठे हुए हो, कोई टॉपिक का डिस्कशन चल रहा है और आपको वो टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई नॉलेज नहीं है, आप कुछ बोल नहीं पा रहे हो, या आपको कुछ पता है लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप वो बात अपनी रखोगे कि नहीं रखोगे, तब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आपका जो है वो थोड़ा सा लो हो जाता है। तो फोर्थ पॉइंट ये होता है कि हमारी जैसे हम जिन ऑडियंस में गए हैं, सपोज मेरी बहुत सारी व्यूवर्स हैं जो मदर हैं, हाउसवाइफ्स हैं, आप अगर अपने बच्चों के स्कूल में जाते होगे वहाँ पर टीचर आपसे इंग्लिश में कन्वर्सेशन करती होगी बट आपको इंग्लिश समझ में आ रही है बट आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप उनको रिवर्ट बैक इंग्लिश में कर सको, या आप किसी इवेंट में गए हो, आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो बिकॉज आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हम इंग्लिश के ऊपर बात करेंगे। बहुत सारी मेरी जो व्यूवर्स हैं, जब मैंने HR रिलेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था दैट हाउ टू डू HR ये वो, तब मुझसे रिक्वेस्ट किया था उन लोगों ने कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए कि कैसे हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, जैसे हम हिंदी बोलते हैं वैसे ही हम इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश जितने फ्रीक्वेंटली हम हिंदी बोलते हैं उतने फ्रीक्वेंटली हमारे आसपास इंग्लिश नहीं बोली जाती है, दैट्स वाई हम इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं इंग्लिश में और हमको उसकी हैबिट नहीं होती है। तो देर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट, कोई बहुत शेम करने वाली चीज़ नहीं है, बट इसकी वजह से बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो लो फील करते हैं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनको इंग्लिश समझ में आती है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, सामने वाला क्वेश्चन करता है आपसे इंग्लिश में बट आप उसका रिवर्ट इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, आपकी इंग्लिश उस लेवल की फ्लुएंसी नहीं है आपके अंदर कि आप उसमें बात कर सकें, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, आपको ऐसा लगता है आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, आप उससे डरते हैं। तो नॉट टू वरी अबाउट इट। आज मैं आप लोगों के
साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप घर बैठ करके बहुत इजीली इंग्लिश लर्न कर सकते हैं। बहुत सारी बार हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम खुद से रीडिंग करके या इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ के या इंग्लिश के जो मूवीज है वो देख करके सबटाइटल्स पढ़ के हम इंग्लिश सीख सकें, बट द थिंग इज बहुत सारा हम जब सेल्फ लर्निंग करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स होते हैं, हमको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं, तो उसको इम्प्रूव कराने वाला हमारे पास कोई नहीं होता है। सो वी नीड वन पर्सन की जिससे हम बात कर सकें। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस ऐप कॉल्ड एज कैम्बली। तो कैम्बली एक ऐसा ऐप है जिसमें आप वन ऑन वन प्राइवेट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके ट्यूटर के साथ। ये जो ट्यूटर्स होते हैं ये फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं, लाइक फ्रॉम USA, कैनेडा, UK एक्सेट्रा। दिस ऐप इज स्पेशली फॉर दोज हू वांटेड टू इम्प्रूव देयर फ्लुएंसी, कम्युनिकेशन स्किल, एक्सेंट ट्रेनिंग। दिस ऐप इज आइडियल फॉर देम। इसमें ट्यूटर्स अवेलेबल होते हैं 24/7। जब आपके पास है तब आप इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं और आपको लाइव ट्यूटर मिलेगा और आप उनसे बात करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं। सो यू नो दिस ऐप इज रियली रियली ग्रेट। मैं अभी आपको एक छोटा सा डेमो करके बताऊंगी कि कैसे ये ऐप वर्क करता है। आपको अपने प्ले स्टोर से कैम्बली को डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद अपने आप ट्यूटर्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ट्यूटर्स अवेलेबल हैं जिनकी रेटिंग्स भी दी हुई रहती है, तो आप उनको किसी को भी कॉल लगा सकते हैं आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। हाय निकी। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम डूइंग गुड। सो व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रुचि चतुर्वेदी। एंड वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम मुंबई, इंडिया। Oh, I'm from America, so it's very nice to meet you. Cool. Have you heard of the state of Florida? Yes. Yeah, so I live in Florida. Cool. That's cool. Yes. Okay. Yeah. So your English is actually very good. Yeah, but my problem is, you know, post marriage I'm working from home only, and because of that my interaction with people is limited, and my current work is totally Hindi based. So my fluency in English is not up to the mark, I think. Your English is not, it's not bad. It's not. Your English is actually good. We're having a conversation. Mm-hmm. I can understand what you're saying. Mm-hmm. Your pronunciation, well, you have an accent. So over time and by using practice, mm-hmm. it can get better. तो विद द हेल्प ऑफ कैम्बली आप घर बैठे रूम में बैठ करके आराम से कन्वर्सेशन कर सकते हैं बहुत ईजिली, और आपका जो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होता जाएगा, बिकॉज आप अच्छे से, आपको पता रहेगा आप जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे इंग्लिश बोलने की तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है वो इंक्रीज होती जाएगी और इम्प्रूव होती जाएगी। तो कैम्बली के मंथली एंड क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन प्लान्स होते हैं, उन सब की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगी, तो डू नॉट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो इट इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट कि आप अपना फर्स्ट इम्प्रेशन सामने वाले के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव और इफेक्टिव छोड़े। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट दिखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देर आर सम वेज जिससे आप कॉन्फिडेंस दिख सकते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उससे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है स्टैंड ऑलवेज टॉल। आपको हमेशा भी ऐसे इस तरह से स्लाउची वे में आपको बैठना नहीं है या खड़े नहीं होना है, ऑलवेज स्टैंड टॉल, चिन अप। एंड सेकंड पॉइंट आता है, जब भी आप किसी से बात करते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं या आप किसी इवेंट में बातें करने जाते हैं या किसी भी XYZ आप फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं और आप उससे बातें कर रहे हैं, तो ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट। आई थिंक ये चीज हम सबको पता है, पर बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पीक क्रिस्टल क्लियर। अगर मैं आज आपसे बातें कर रही हूँ और बातें करते टाइम मैं बहुत धीरे 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 बातें करूँ, आपको सुनाई नहीं देगा, तो आपको ना तो सुनने में मजा आएगा, और अगर मैं एनर्जी शो नहीं करूंगी तो ना आपको मुझे देखने में मजा आएगा। तो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप क्रिस्टल क्लियर बातें बोलें और एनर्जी के साथ बोलें। बहुत लाउड भी नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए। कीप योर हैंड्स विजिबल। जिस जैसे मैं बात कर रही हूँ तो आपको थोड़ी बहुत मेरे हैंड्स के मूवमेंट दिख रहे होंगे, तो अब ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरे टाइम ऐसे 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 हैंड मूवमेंट्स करती रहूँ, बट इन अ प्रॉपर अप्रोप्रिएट वे में थोड़े थोड़े हैंड का मूवमेंट होना चाहिए। Always have a smile on your face. जब smile आपके face पे रहेगी तो आप automatically थोड़ा आपका confidence जो है, जो अगर आप नहीं भी हो, low confidence level भी होगा, तो भी वो छुप जाएगा उस smile के पीछे। Always look presentable. जब भी आप जो भी कपड़े पहनते हैं, चाहे आप इंडियन वेयर पहन रहे हैं चाहे आप वेस्टर्न वेयर पहन रहे हैं, ट्राई टू
यू नो लुक प्रेजेंटेबल इन दैट क्लोथ्स. हमेशा आयरन करके कपड़े पहनिए, ऐसे गंदे से क्रीज वाले कपड़े मत पहनिए. तो प्रेजेंटेबल दिखने के लिए थोड़ा सा मेकअप इज गुड फॉर योर सेल्फ. आपको खुद में वो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करवाता है. तो आप छोटा मोटा बीबी क्रीम लगा सकते हैं, चाहे तो यू नो आईब्रोज अच्छे से डिफाइन कर लीजिए, लिप बाम लगा लीजिए, लिप ग्लॉस लगा लीजिए. इससे ही आपका फेस अच्छा लगने लगेगा और जब आप खुद को अच्छे लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होता है. सो दीज आर माई फ्यू टिप्स. आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर हेल्पफुल रहा है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.